तो हेलो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाला है डाइनो गेम का सीरीज को। तो ये डाइनो गेम का पार्ट टू है। तो पार्ट वन देखने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टीरेक्स को बनाया था, क्लाउड्स को बनाया था और यहाँ पर ग्राउंड को बनाया था, और ग्राउंड को पीछे की तरफ मूव किया था, प्लस क्लाउड को भी पीछे की तरफ मूव किया था, बिकॉज ये यहाँ पर गेम दिखे है कि मतलब ये चल रहा है, ऐसा गेम दिखे। और यहाँ पर जब ग्राउंड का वेलोसिटी एक्स 0 से ज़्यादा होगा तो ग्राउंड को फिर से रीसेट यहाँ पर किया था। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे कैक्टस, यहाँ पर जमीन पर जो कैक्टस उस जिसके ऊपर से डायनो जंप करता है वो ऐड करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पर कुछ एनिमेशन है कैक्टस के, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये एनिमेशन है कैक्टस के। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें वो एनिमेशन यहाँ पर फंक्शन पीरियड के अंदर लोड करना है। तो लोड करने के लिए सेम आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे ऑब्स्टेकल वन इक्वल्स टू लोड। यहाँ पर हम इसको इमेज देंगे, एनिमेशन नहीं देंगे। उसके बाद ब्रैकेट देकर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पर उसका नेम ऑब्स्टेकल वन डॉट पीएनजी। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं ऑब्स्टेकल वन डॉट पीएनजी। अब इस तरह हम सेम ये 6 ऑब्स्टेकल हैं तो और 5 हमें इमेज लोड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको कॉपी, करते हैं पेस्ट। ये 3, इसको बैक, ये 4, 5 और 6। अब हमें यहाँ पर बस इसका नंबर चेंज करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। और यहाँ पर भी हमें 6 5 4 3 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर जैसे हमने क्लाउड्स का स्पॉन किया था सेम हमें यही करना है। तो इसके लिए हमें अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन स्पॉन ऑप्टिकल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं स्पॉन क्लाउड्स की जगह ऑप्स टिकल्स टाइप कर देते हैं स्पॉन ऑप्स टिकल्स। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, उसके अंदर यहाँ पर हमें जैसे इसके मतलब इसके अंदर एक इफ कंडीशन देना पड़ेगा, उसके अंदर सेम फ्रेम काउंट इतने फ्रेम पे ये आने चाहिए, तो फ्रेम काउंट 100 ही रखेंगे। तो यहाँ पर टाइप करते हैं इफ कंडीशन के अंदर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमें जैसे यहाँ पर क्लाउड क्रिएट किया था, इमेज ऐड किया था, स्केल दिया था, उसको वेलोसिटी दिया था, यहाँ तक सेम करना है, और यहाँ पर क्लाउड डॉट वाई यहाँ तक सेम करना है आपको। उसके बाद यहाँ तक तो पूरा सेम करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें रैंडम की जगह 1 यहाँ यहाँ पर 6 देना है, बिकॉज जब ये रैंडम करेगा, अगर ये 1 करेगा तो हमें ये इमेज शो करना है, 2 करेगा तो ऐसे ही करते करते करना है। तो उसके लिए फर्स्ट हमें यहाँ तक काम कंप्लीट कर देते हैं। तो उसके लिए कॉपी करते हैं इसको, करते हैं पेस्ट यहाँ पर क्लाउड की जगह। ओ जैसी कुछ भी,
और लास्ट यहाँ पर ऑब्स्टेकल डॉट वाई के जगह यहाँ पर आपको एक्स कर देना है, बिकॉज ऑप्टिकल ऑब्स्टेकल को ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट जाना है इसको। तो यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल टाइप कर देते हैं, आप अपने मन से भी नेम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए रखा था। यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर क्लाउड टू की जगह यहाँ पर आपने स्टोर करना है, लेकिन लेकिन आपने यहाँ पर जो स्पॉन क्लाउड स्पॉन ऑब्स्टेकल किया था उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉन क्लाउड ट्रस फाइट के बीच में यहाँ पर ड्रॉप कर देना, और इसके बाद यहाँ पर आपको सेमी कॉलम लगा देना है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर जो यहाँ पर बाहर लिखा रहता है इसके अंदर, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल 1 2 3 सब स्टोर करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ व्यवहार में पेस्ट कर देते हैं। इसके जगह यहाँ पर 2 टाइप कर देते हैं, और इधर एक नया वार बनाते हैं, बिकॉज वहाँ पर स्पेस फुल हो चुका है। वार ऑप्टिकल 3 ऑब्स्टेकल 4 ऑब्स्टेकल 5 ऑब्स्टेकल 6 और लास्ट ऑब्स्टेकल, यहाँ पर 1 हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलम। अब यहाँ पर हमें एडमिशन जो ऑब्स्टेकल्स 1 था उसको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर जाकर देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल्स, ये दूसरा, यहाँ पर क्लाउड्स भी हैं, ये तीसरा, ये चौथा, लगातार आए जा रहे हैं, ये भी नहीं रुक रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे कि जब टीरेक्स कैक्टस, ये जो है कैक्टस, उसमें टच होगा तो रिस्टार्ट वाला बटन यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर स्कोर भी हम अगले वीडियो में ऐड करेंगे स्कोर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।